वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पैसेंजर फ्लाइट में पायलट से हाथापाई करते नजर आ रहा है, या यूं कहें कि पैसेंजर ने फ्लाइट के पायलट को मुक्का मार दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद आज एक और तस्वीर सामने आई जिसमें फ्लाइट से उतरे पैसेंजर ने रनवे पर बैठकर खाना खाया। ये तस्वीरें रनवे की है, किसी बस स्टैंड की नहीं। दरअसल तेज ठंड के साथ इन दिनों घना कोहरा भी है और ऐसे कोहरे के चलते फ्लाइट्स लेट भी हो रही है और कैंसिल भी की जा रही है। लेकिन सफर में फंसे पैसेंजर इस बात को नहीं समझ रहे कि उन्हीं के जान और माल की सुरक्षा के लिए ऐसा किया जा रहा है और इस पर जमकर नाराजगी जता भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। इंडिगो फ्लाइट का एक वीडियो जिसमें गुस्साए पैसेंजर ने पायलट के मुंह पर मुक्का मार दिया, पहले ये वायरल हुआ, सभी ने देखा। अब एक नई वीडियो सामने आई है जिसमें फ्लाइट लेट होने की वजह से यात्री नाराज होकर रनवे पर ही डिनर करने बैठ जाते हैं। अबे कुछ नहीं था। इंडिगो की गोवा से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 12 घंटे लेट थी जिसके कारण इसे मुंबई डाइवर्ट किया गया। प्लेन से नीचे उतरकर यात्रियों ने खाना खाया। इस मामले में इंडिगो ने कहा, हम 14 जनवरी को गोवा से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की उड़ान 6E2195 से जुड़ी घटना से अवगत है। दिल्ली में विजिबिलिटी कम होने के कारण फ्लाइट को मुंबई डाइवर्ट किया गया था। हम ईमानदारी से अपने ग्राहकों से माफी मांगते हैं, फिलहाल घटना की जाँच कर रहे हैं। दरअसल हमारे देश में इतना कोहरा हो रहा है कि ऐसे में फ्लाइट्स का उड़ना मुश्किल हो ही रहा है, तो कभी फ्लाइट लेट हो रही है और कभी कैंसिल। अब फ्लाइट लेट की वजह से पायलट को पहले तो मार दिया गया, ये घटना सामने आई। बता दें कि इसके बाद DGCA ने इन मामलों के बाद एक नई गाइडलाइन जारी की और विमानन कंपनियों से कहा कि उड़ानों में अगर देरी होती है तो यात्रियों को आप अपडेट करते रहो, फिर फ्लाइट कैंसिल कर दो। हवाई सेवा में कोहरे के कारण जो परेशानियां हो रही है, इस पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कहा कि एयरलाइंस को अपनी वेबसाइट पर विमानों में देरी के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रकाशित करनी चाहिए। इसके अलावा प्रभावित यात्रियों को व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से वास्तविक स्थिति की सूचना देते रहना चाहिए। खराब मौसम और कोहरे के कारण एयरलाइंस ऐसी उड़ानों को तय समय से काफी पहले रद्द कर सकती है जो काफी देर से संचालित हो रही है या फिर उनके लेट होने की आशंका है या जिनकी उड़ानों में 3 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। ऐसा करने से हवाई अड्डे पर भीड़ भाड़ को कम करने और यात्रियों की असुविधा को भी कम करने में मदद मिलेगी। बता दें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी यात्रियों से अपील की और कहा कि सभी यात्रियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कठिन समय में सहयोग करें, किसी भी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार की घटना अस्वीकार्य है। इसके बजाय किसी भी घटना के लिए मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुरूप दृढ़ता से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए ये भी बताया कि फॉग के चलते फ्लाइट्स डिले और कैंसिल हो रही है। इस पर कई यूजर्स ने कमेंट भी किया है। उन्होंने ये लिखा है कि ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा होना आम है और ये सिर्फ हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी होता है। हालांकि जब हमारे देश में घने कोहरे के चलते फ्लाइट को लेट किया गया या फ्लाइट कैंसिल हुई तो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं मिली। यहां तक कि फ्लाइट के पायलट को मुक्का तक मार दिया गया, रनवे पर बैठकर भोजन किया गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि एयरपोर्ट को बस अड्डा बना डाला। इन दोनों मामलों में अब आगे जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जो खबर सामने आई है उसमें वो आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस मामले पर आपकी क्या राय है? फॉग के चलते फ्लाइट्स का डिले होना, कैंसिल होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस पर कोई एक्शन लेगा? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।